हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंद्रकांत कोटेचा आज आपके सामने लाया हूं एक और नया राग, राग भैरव। जो बिगिनर्स है उनके लिए ये राग थोड़ा एडवांस पड़ेगा, क्योंकि इसमें रे कोमल और ध कोमल आता है। लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिस करें और सीखने की कोशिश करें तो ये अवश्य आ सकता है और बहुत करने जैसा, बहुत प्यारा सा प्राचीन राग है राग भैरव। तो उसकी तीन ताल में एक बंदिश हम करने जा रहे हैं। उसकी मैं एक एक नोटेशन आपको एक्सप्लेन करूं नोटेशन के साथ। उसके पहले एक बार राग भैरव की पूरी बंदिश एक बार बांसुरी पर सुन लेते हैं। मैं बजाऊंगा ई बेस यानी सफ़ेद तीन की फ्लूट पर। ताल है तीन ताल, स्पीड है 140 BPM। पहले सुन लेते हैं।
साल में 140 BPM की स्पीड में हमने ई बेस सफेद 3 में इसको गाया बजाया। अब मैं आपके सामने एक एक लाइन की नोटेशन ए शार्प यानी काली पांच की ग्रुप में देता हूँ, लेकिन इससे पहले राग भैरव का पूरा परिचय देख लेते हैं, क्योंकि राग भैरव बहुत जानने जैसा राग है, बहुत प्राचीन राग है। ऐसी मान्यता भी है कि ये खुद भगवान शिव ने इसको उत्पन्न किया है, और शिव को प्रसन्न करने के लिए ये राग गाना बजाना बहुत आवश्यक है, बहुत प्यारा राग है। उसकी विशेषताएं क्या क्या है देख लेते हैं। तो राग भैरव का एक दोहा है, भैरव ठाट रेव कोमल दैवत ऋषभ संवाद, भैरव ठाट रेव कोमल दैवत ऋषभ संवाद, प्रातः समय गुणीजन गावत भैरव पूर्ण राग। दूसरा भी एक ऐसा ही दोहा है राग भैरव के लिए, धरी वाली संवारी कर रीधा कोमल सुरमान, धरी वाली संवारी कर रीधा कोमल सुरमान, प्रातः समय नीको लगे भैरव राग महान। तो एक भैरव एक महान राग है, भैरव थाट से ही उत्पन्न हुआ हुआ माना जाता है, यानी भैरव थाट का ये आश्रय राग है। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है, यानी कोई भी स्वर इसमें वर्जित नहीं है। इस राग में रे और ध कोमल लगते हैं और दोनों आंदोलित भी लगते हैं, दोनों के ऊपर आंदोलन किया जाता है, खास करके जब आलाप करते हैं उसके ऊपर आंदोलन किया जाता है। इस राग के न्यास के स्वर है सा रे प ध, प्रातः समय में इसको गाया बजाया जाता है। ये प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है, मॉर्निंग सुबह 4 से 7 बजे के बीच में इसको गाया बजाया जाता है। इस राग की प्रकृति गंभीर है, इसलिए इसमें बड़ा ख्याल छोटा ख्याल और ध्रुपद तराना गाए जाते हैं। ठुमरी टप्पा वगैरह ऐसे लाइट क्लासिकल बहुत कम या नहीं गाए जाते हैं। इस राग को भक्ति प्रधान, करुणा प्रधान और प्रार्थना के लिए बहुत उपयुक्त राग माना गया है। यह अति प्राचीन राग है, इसके अनेक प्रकार हैं, जैसे अहिर भैरव, मंगल भैरव, बैरागी भैरव, बहुत सारे प्रकार हैं। इस राग में कभी कभी आरोह में पंचम लोप करके वर्जित करके डायरेक्ट ध पे जाते हैं, ग म ध र प, और गंधार को वक्र कर दिया जाता है, जैसे मगर ऐसा ऐसा लेने की बजाय ग म र इस राग को जो मिलते जुलते राग है उसमें कालिंगड़ा और रामकली अग्रतम है। कालिंगड़ा राग सेम टू सेम भैरव जैसा है, लेकिन चलन अलग है, वादी समाधि अलग है, आंदोलन नहीं है, थोड़ा चंचल प्रकृति का है, इसलिए वो राग हो गया कालिंगड़ा। दूसरा प्रातःकालीन राग ही है, भैरव जैसा ही है रामकली, लेकिन इस राग में तीव्र मध्यम और कोमल निषाद भी कभी कभी उपयोग में लिए जाते हैं। बाकी सारे स्वर भैरव के ही है, रे कोमल है, ध कोमल है, संपूर्ण जाति है, लेकिन साथ साथ कभी कभी म तीव्र और नी कोमल भी साथ में लिए जाते हैं, वो है राग रामकली, भैरव से बहुत नजदीक वाला राग है। अभी देख लेते हैं भैरव राग के आरोह पकड़।
ये पकड़ है। ग म ध प ग म र सा। अब राग भैरव की तीन ताल में एक बंदिश है वो देख लेते हैं। नौवीं मात्रा से यानी खाली से शुरू होती है, शब्दों के साथ है। मैं शब्द भी आपको गा के सुनाऊंगा। पहली लाइन है, बोलो शिव शिव बानी, बोलो शिव शिव बानी, सा सा मम ग म प प ध प म ग रे, सा सा मम ग म प प ध। एक बार बानी ध प म ग रे ऐसा लेना है, और दूसरी बार बानी ध प, बोलो शिव शिव बानी, बोलो शिव शिव बानी। लोकेशन सा सा म म ग म प प ध प म ग रे, सा सा म म ग म प प ध प। सा सा म म ग म प प ध प म ग रे, सा सा म म ग म प प ध प। दूसरी लाइन, बाल चौंद्र गौंगा सोहनी, बाल चौंद्र गौंगा सोहनी, मम ग रे प ग म रे ग म रे सा, मम ग रे प ग म रे ग म रे सा। बाल चौंद्र गौंगा सोहानी, मम ग रे प ग म रे ग म रे सा, शंकर विषधर त्रय लोचनारी, शंकर विषधर त्रय लोचनारी, ददनी सा सा रे रे प म ग म प म ग रे 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 सा। इस तरह भी ले सकते हैं, ददनी सा सा रे रे प म ग म रे रे सा, ददनी सा सा रे रे प म ग रे 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 सा, शंकर विषधर त्रय लोचनारी। ये हो गई स्थाई। ये शंकर भगवान शंकर शिव की स्तुति है। आप शंकर के मंदिर में भी इसको गा सकते हैं। सावन के मास में जब शंकर भगवान की स्तुति का जब माह आता है उस वक्त आप इसका प्रयोग कोई भी मंदिर में कर सकते हैं। बहुत प्यारी सी मंदिर है भैरव राग। अब इसका अंतरा देखते हैं। कानों में कुंडल गले रुंड माला, कानों में कुंडल गले रुंड माला, कानों में
ni sa re sa ni da pa 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 da da ni ni sa sa da ni sa re sa ni da pa 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 da da ni ni sa sa da ni sa re sa ni da pa kaano me kundal gale rod mala पूरी लाइन आपको लंबी लग रही है तो आधी आधी लाइन कर लीजिए ग म ग म प द नि सा त्रिशूल ड म रु ग म ग म प द नि सा त्रिशूल ड म रु पिनाक पानी सा नि द प म ग र सा पिनाक पानी सा नि द प म ग र सा बोलो शिव शिव बानी बोलो शिव शिव बानी राग भैरव प्रातःकालीन बहुत प्यारा सा राग है भक्ति रस प्रार्थना करुणा रस के लिए बहुत प्राधान्य वाला राग है करने जैसा राग है। ये राग करने से आपके जो कोमल स्वर बजाने का जो डर है वो भी निकल जाएगा। इसमें रे और द कोमल बजाना है। खास ख्याल ये रखना है कि रे वाली फिंगर और ध वाली फिंगर प्रैक्टिस में बोलते हैं कि आधी खोलनी है, लेकिन आधी भी नहीं खोलनी है, 20% ही खोलनी है। 20% खोलने जाएंगे तो 25-30% तक तो खुल ही जाएगी, तो यही माप है। इससे ज्यादा खुलेगी तो थोड़ा शुद्ध की तरफ का रे ध हो जाएगा। हमें बहुत कोमल चाहिए। अब इसमें जब वाइब्रेशन यानी आंदोलन देना है कोमल रे पर और ध पर, तो रे पर जब आप वाइब्रेशन दे रहे हैं तो रे के ऊपर फिंगर 20% खोल के ये ग वाली फिंगर से आप वाइब्रेशन दे सकते हैं। देखिए उसी तरह से कोमल ध के ऊपर वाइब्रेशन देने के लिए नी वाली फिंगर को थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे तो भी वाइब्रेशन आ सकता है। इस तरह से इसमें वाइब्रेशन देते हैं, खास करके आलाप में तो देते ही हैं।
बंदिश में भी देते हैं, लेकिन तान में कभी कभी नहीं दे पाते हैं, वो चलता है, तान में कुछ भी चल सकता है। अब इसी राग की कुछ ताने भी इसी बंदिश के लिए जो सूट होती है वो कर लेते हैं। नौवीं मात्रा से आधी लाइन का मुखड़ा बोलो शिव शिव, और बाद में आठ मात्रा की ताने बोलो शिव शिव सा ग म प ध नि सा नि ध ब म प ग म रे सा, बोलो शिव शिव सा ग म प ध नि सा नि ध ब म प ग म रे सा, बोलो शिव शिव बानी। तान क्या है? सा ग म प ध नि सा नि ध प म प ग म रे सा, सा ग म प ध नि सा नि ध ब म प ग म रे सा। दूसरी तान बोलो शिव शिव म प ध नि सा नि ध प ग म रे सा, बोलो शिव शिव म प ध नि सा नि ध प ग म रे सा, बोलो शिव म प ध नि सा नि ध प ग म रे सा, म प ध नि सा नि ध प ग म रे सा। अब इसकी 16 मात्रा की तान है, जो कि पूरी एक लाइन मुखड़ा गाने गा लेने के बाद ये तान उठानी है। बोलो शिव शिव बानी सा ग म प ग म रे सा प म प ग म रे सा म प ध नि सा नि ध प ग म रे सा, बोलो शिव शिव बानी। गम प द म प ध नि सा नि ध ब म ग रे सा, सा नि ध ब म ग रे सा, सा नि ध ब म ग रे सा, बोलो शिव शिव। बोलो शिव शिव सा ग म प म प ध नि सा रे सा रे ग म रे सा नि ध प ग म प ग म रे सा, Yeah.
पूरी बंदी स्थान के साथ राग भैरव में, आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। और अब हमारे क्रम के मुताबिक लास्ट में भैरव ही राग का एक फिल्मी गाना देख लेते हैं। भैरव में बहुत कम गाने बने हैं लेकिन ये गाना बहुत प्यारा है, बहुत जाना पहचाना भी है, आपको सुन के ही पता चल जाएगा। मैं बजाता हूँ राग भैरव फिल्म सॉन्ग। ये गाना हमें आपको ई बेस बाद में ई स्मॉल की ग्रुप में सफेद तीन की ग्रुप में सुनाने जा रहा हूँ। वह है राग ताल कहरवा, टेम्पो 120 BPM 120 BPM की स्पीड में राग भैरव।